एनएसयूआई के देश के कोने कोने से पधारे मेरे युवा साथियों का मैं दिल्ली पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप वो जागरूक साथी हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। आज के समारोह के आयोजक कहूं मेरे छोटे भाई नीरज कुंदन जी हमारे बीच में उपस्थित है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हमारे बड़े भाई शक्ति सिंह गोहिल साहब जो अभी अभी कॉलेज पास करके सीधा यहाँ पर पहुंचे हैं और आपको संबोधित किया है। वैसे तो आज महसूस हो रहा है कि हाई स्कूल ही पास करके सीधे यहाँ पहुंच गए। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आदरणीय हम सब की नेता बहुत ही सम्मानित हरियाणा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आदरणीय शैलजा जी हमारे बीच में उपस्थित, भाई पवन खेड़ा जी स्पोक्स पर्सन है और हम न सिर्फ हमारे युवाओं की बल्कि मैं समझता हूँ कि हम सबकी आवाज को बुलंदी के साथ उठाते हैं और अपना पक्ष रखते हैं कांग्रेस का मजबूती के साथ। ऐसे हमारे भाई पवन खेड़ा जी, हमारी एक बहन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ना सिर्फ अध्यक्ष रही बल्कि आज कल दिल्ली प्रदेश में महिलाओं की आवाज अमृता जी, मेरे एक और छोटे भाई छत्तीसगढ़ से आए हैं जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ सबसे युवा मेयर होने के नाते और अभी छत्तीसगढ़ में विधायक के रूप में काम कर रहे देवेंद्र यादव जी, मेरे छोटे भाई लाखड़ा साहब कांगे, मेरा छोटा भाई दिल्ली में आप सबकी आवाज बन के काम कर रहा है, भाई अवनीश जी यादव साहब, मेरे भाई सतबीर जी और बहुत ही मुझे इस मौके पर खुशी तो है ही है कि आप लोग एनएसयूआई के साथी अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ पर देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर पहुंचे हैं। मुझे दिल की गहराइयों से खुशी है और मैं समझता हूँ कि जब युवा जाग जाता है, युवा जब सड़कों पर आ जाता है तो इस सरकार को जिनके सामने झुकना पड़ेगा और आप लोगों की बात को मानना पड़ेगा। वहीं इस बात का दुख भी है कि आज जिन युवा साथियों को अपने कॉलेजेस में होना चाहिए था, जिन युवा साथियों को अपनी जिंदगी को एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए विभिन्न नौकरियों के जरिए इस देश की समृद्धि में अपना योगदान देने का काम करना चाहिए था, आज वो सड़कों पर उतरे, आज वो अपनी आवाज बुलंदी के साथ रखने के लिए यहाँ पर दिल्ली की सोती हुई सरकार को जगाने का काम करने के लिए यहाँ पहुंचे। मैं इस्तकबाल करता हूँ आप सभी का, आपको सलाम करता हूँ और ये आह्वान भी करता हूँ कि भाई नीरज के नेतृत्व में जहाँ पूरे भारतवर्ष में इन्होंने युवाओं को जगाने का काम किया है, अपने हकों की लड़ाई लड़ने का एक सीख देने की कोशिश की है, वहीं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इनका साथ दे। कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ एक बड़े भाई के नाते आपके पीछे खड़े हैं। हम आपकी उस हर लड़ाई में आपके सहयोगी हैं, आपके साथी हैं। ये बात सही है, अभी माननीय शक्ति सिंह जी कह रहे थे कि सरकार को हमें वो फॉर्मूला देना चाहिए कि कैसे जय शाह चंद हजारों की कंपनी से करोड़ों की कंपनियों में तब्दील हो जाते हैं। माफ कीजिएगा शक्ति सिंह जी, ये सरकार अंधी और बहरी है। शक्ति भाई, ये सरकार अंधी और बहरी है, ये फॉर्मूला आपको देने वाली नहीं है, इनसे तो लड़के लेना पड़ेगा।
जब इनसे किसी चीज की उम्मीद करते हैं तो हमें भाई नीरज की आज टांग टूटी पड़ी है आपके हाथों की लड़ाई लड़ने के लिए। ये सरकार दमनकारी सरकार हमको लाठी और डंडे से दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास है हमारे NSY के सभी साथियों को कि आप एक निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारी आप सबकी जो यहाँ पर वरिष्ठ नेतृत्व तो बैठा है, हम सबका एक दायित्व है, हम सबका एक कर्तव्य है कि हम आपके साथ आपके बड़े भाई के रूप में आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। मैं आप सभी को उन्हें एक बार सलाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अपने जागरूकता के साथ अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आज मैदान में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।